हेलो माय लोईज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दो कोरियन ब्यूटी ब्रांड के फेस वॉश का रिव्यू। सो दिस इज द राइस वाटर फेस वॉश फ्रॉम द ब्रांड द फेस शॉप एंड दिस इज फ्रॉम ब्रांड कोसारेक्स एंड ये है लो पीएच गुड मॉर्निंग जेल क्लेंजर। सो दोनों का ही डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बट लोग कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में से कौन सा बाय करें, क्योंकि दोनों की ही प्राइस अच्छी खासी है, 700-800 रुपए में है। और इतना महंगा फेस वॉश लेने से पहले हम इंडियंस तो यार सोचते ही हैं कि कौन सा लें। दोनों को हर एक पैरामीटर के साथ हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा आपको लेना चाहिए। और फिर भी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इनका डेडिकेटेड वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, वहां पे भी आपको अच्छे से डिटेल मिल जाएगी। बट इस वीडियो में हम क्विकली कंपेयर करेंगे एंड आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि दोनों में से आपको कौन सा बाय करना चाहिए। सो यस, बात कर लेते हैं ओवरऑल इनकी पैकेजिंग की। सो ऐसी कुछ ट्यूब पैकेजिंग में आपको मिलती है फ्लिप फ्लॉप कैप के साथ, जैसे कि फेस वॉशेस होते हैं। एंड बात करें क्वांटिटी की तो 150 ml आपको इसकी क्वांटिटी मिलेगी एंड इसकी भी आपको 150 ml क्वांटिटी मिलेगी। एंड प्राइस की अगर बात करें तो एमआरपी में बता देती हूँ, बाकी अमेजोन पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये मिल जाएंगे। सो 849 इसकी एमआरपी है एंड इसकी एमआरपी भी नियर बाय 800 समथिंग है। दोनों की प्राइस एंड क्वांटिटी लगभग सेम ही है। तो बात करें इनके हीरो इंग्रेडिएंट्स की तो बेसिकली जो फेस शॉप वाला ये फेस वॉश है, इसके अंदर हीरो इंग्रेडिएंट है फर्मेंटेड राइस। तो बेसिकली जो कोरियन ब्यूटी ब्रांड्स होते हैं वो राइस को बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं अपने स्किन केयर रूटीन में। फर्मेंटेड राइस हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, हेल्दी बना के रखता है, ग्लो इफेक्ट देता है, क्लियर करता है स्किन को। एंड ये जो कोसारेक्स का लो पीएच गुड मॉर्निंग जेल क्लेंजर है, इसके अंदर कोई भी एज सच हीरो इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बट इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है और काफी इंप्रेसिव है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी, अदरवाइज पूरा डिटेल में बताना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो बेसिकली अभी बात करते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। जो पर्टिकुलर द फेस शॉप का फेस वॉश है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा आपको थिक कंसिस्टेंसी में मिलेगा, जैसे कि लाइक मॉइस्चराइजर वगैरह होते हैं वैसा कुछ इसकी कंसिस्टेंसी है। सो बहुत अच्छी वाली फ्रेग्रेंस भी आती गाइज इसमें से। सो ये आपको बहुत कम लेना होता है और ये फॉर्मिंग जेल है, दैट मीन्स कि ये बहुत अच्छे से लेदर क्रिएट करता है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है आपके फेस को। सो क्वांटिटी आपको बहुत कम लेनी होगी। बट आई मस्ट से कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है, एक्ने प्रॉन आपकी स्किन है, बहुत एक्ने भरे पड़े हैं फेस पे, तो मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी कि आपको ये वाला फेस वॉश यूज करना चाहिए। वी कैन से कि इसके अंदर थोड़े से हार्श केमिकल है जो कि सेंसिटिव एंड एक्ने प्रॉन स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर परफ्यूम है और जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग होते हैं उनको परफ्यूम बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। सो ये मुझे इतना ज्यादा मतलब इंप्रेसिव नहीं लगा। एंड काफी लोग ये सोच के इसको मंगा लेते हैं कि ये ब्राइटनिंग फेस वॉश है। सो आई मस्ट से कि ये आपकी स्किन को गोरा नहीं बनाता है, फेयर नहीं करता है। जस्ट जब आप इससे अपना फेस वॉश करोगे तो यस, आपका फेस आपको क्लीन दिखेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि लेदर क्रिएट करके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। बट यस, ऐसा नहीं है कि इसको यूज करते करते आपका फेस गोरा हो जाएगा या आपका कलर साफ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपके फेस को अच्छे से क्लियर करता है, कोई भी गोरापन या फेयरनेस या ब्राइटनिंग इफेक्ट आपकी स्किन पे नहीं लेके आएगा। सो यस, दिस इज ओवरऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट जो बात करेंगे ये है कोसारेक्स का लो पीएच गुड मॉर्निंग जेल क्लेंजर। सो इसके बारे में मैं आपको बोलूंगी कि इतने अच्छे माइल्ड इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, ऑयली है, एक्ने प्रॉन है, एक बहुत ज्यादा माइल्ड फेस वॉश आप ढूंढ रहे हो जो कि आपने मेकअप नहीं किया है, आप दिन भर घर पे रहते हो, बहुत ज्यादा आपको पसीना नहीं आ रहा, स्वेटिंग नहीं आ रहा, बहुत माइल्ड आपको कुछ अपने फेस पे लगाना है। कभी कभी मन होता है ना कि वो जो इतने हैवी वाले फेस वॉशेज होते हैं वो हमारा मन नहीं होता है लगाने का, हमारा मन करता है कि यार बहुत लाइट सा कुछ अपने फेस को क्लीन करने के लिए हम यूज करें, देन उसके लिए ये परफेक्ट 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 फेस वॉश है। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मॉर्निंग में मैं हमेशा इसी से ही फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में आपका फेस इतना गंदा नहीं होता है, आप नाइट में ऑलरेडी स्किन केयर कर चुके होते हो, नाइट में फेस वॉश करके सोते हो, तो जस्ट नॉर्मल जो स्किन केयर था नाइट में वही आपको निकालना होता है, तो उसके लिए काफ़ी परफेक्ट फेस वॉश है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका जो पीएच लेवल है इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी ओवर ड्राइंग नहीं बनाता है और पीएच लेवल को मेंटेन करके चलता है। सो यस, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आपकी सेंसिटिव, ऑयली, एक्ने प्रॉन या कॉम्बिनेशन स्किन है और ड्राई भी है, तो भी आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। बट इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि ड्राई स्किन वालों के लिए भी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ड्राई कर देता है, सेंसिटिव स्किन के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके जो मतलब कुछ एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो बेसिकली मतलब लेदर इतना क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स कि इन्होंने जो सर्फेक्टेंट्स डाले हैं वो काफी ज्यादा हार्श है, तो उसके लिए अच्छा नहीं है। और इसके अंदर आपको बहुत कम लेदर मिलेगा और बहुत
जेंटली आपके स्किन को अच्छे से क्लियर करता है. सो इसके अंदर लेदर क्रिएट नहीं होता है, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से मसाज करनी होगी अपने फेस को, तब जाके ये अच्छे से क्लियर करेगा. क्लियर करता है बट थोड़े से एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे. और ये ऐसा फेस वॉश है कि मतलब लगाया और इतना झाग आया और आपका फेस क्लीन हो गया. सो थोड़े से हार्श सर्फेक्टेंट्स है इसके अंदर, बट दोनों में से अगर मैं आपको बोलूंगी कि कौन सा आपको लेना चाहिए तो मैं आपको बोलूंगी कि गो फॉर दिस. कोसारेक्स का ये लो पीएच गुड मॉर्निंग जेल क्लेंजर अमेजिंग है और ये ठीक है यार, मतलब आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. बाकी दोनों में अच्छे से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा बाय करना चाहिए. या दोनों के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा. सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो गाइज. सो या अभी के लिए टाटा बाय बाय.